Hello, students, how are you people? आई होप आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा होगा मेरा तो काफ़ी अच्छा था आपके साथ हमने साथ में बहुत कुछ नया सीखा हमने um, हमने कितना टाइप्स ऑफ राइटिंग सीखा हमने बी को काफ़ी अच्छे से uh, समझा कि आखिर इंस्टीट्यूट चाहता क्या है इंस्टीट्यूट का क्या मोटिव है हमें बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग सिखाने के पीछे पहले आपको मालूम है पहले सी ए फाउंडेशन वो सी पी टी इट वॉज कॉमन प्रोफेंशियंसी टेस्ट जिसमें इंग्लिश या बी सी आर बोल के कोई चैप्टर नहीं था and the uh, quality of uh, the people who are getting into intermediate and ca final it was not uh, very good as per communication skills i'm not talking about all the people i'm talking about few students you communication skills but after being a ca you are a chartered accountant now you are representing um, a ca represent ici cop represent karuna you are a member of the institute so your communication skills your um, रिपोर्टिंग स्किल्स आपके काम करने का तरीका एवरीथिंग टू बी वेरी गुड राइट सो दैट इज वाई वी डूइंग बिजनेस रिस्पॉन्डेंस ऑन रिपोर्टिंग एंड अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा आपका साथ में काफी अच्छा रहा है हमने काफी कुछ किया है अभी तक चलिए आइए आज हम लोग करेंगे चैप्टर थर्टीन दैट्स द लास्ट चैप्टर ऑफ आर बी सी आर दैट इज मीटिंग्स मीटिंग्स इतना अच्छा वर्ड है ये एज uh, स्टूडेंट्स जब आप लोग इलेवन ट्वेल्थ रहते हो टेन रहते हो टेन के स्टूडेंट रहते हो छोटे रहते हो तो ये वर्ड बहुत हमें आ, पसंद आता है आ, मैं अपनी बात ही कर रही हूँ जब हम लोग छोटे थे तो टीवी वगैरह में मूवीज वगैरह में मीटिंग्स वर्ड बहुत यूज किया जाता था आज जा, इन मेरी मीटिंग है बिजनेस मीटिंग है प्रेजेंटेशन होता है मीटिंग में एक बोर्ड रूम का पिक्चर दिखाया जाता है राइट right, जैसे कि एक वो ही करते मीटिंग कैसा होता है इस तरीके का इमेजेस हमने देखा ना इस तरीके का हमने आ, देखा हुआ है टीवीज़ में देखा है अपने सीरियल्स वगैरह में देखा है हमने मूवीज वगैरह में देखा है इस तरह से एकदम बहुत ही मस्त बोर्ड रूम होता है लोग बैठते हैं डिस्कशन करते हैं प्रेजेंटेशन देते हैं हमें मीटिंग्स दिखाया जाता है हम बहुत इंप्रेस्ड है मीटिंग से तो अब क्या है आप लोग सीए की पढ़ाई कर रहे हो सीए बनोगे तो आपको बहुत मीटिंग्स अटेंड करने है उसके बाद उसके बाद लाइफ लॉन्ग मीटिंग्स 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 ठीक है मीटिंग्स आज एन मत मीटिंग्स का मतलब क्या होता है मीट मीट मीटिंग दो लोग मीट कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा लोग मीट कर रहे हैं उस पूरे अरेंजमेंट को मीटिंग बोलते हैं जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप इतने लोग जो यहाँ पर इतने लोग बातचीत कर रहे हैं दे ऑल मेट ना सब मिले हैं मिलके ये जो पूरा माहौल है इसका इसको मीटिंग

फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए खाने चले गए मिलने चले गए फ्रेंड्स के साथ मीटिंग का कोई मोटिव जरूरी नहीं है ठीक है बट बिजनेस मीटिंग्स का हमेशा कोई ना कोई मोटिव होता है कोई ना कोई एजेंडा लेके कोई ना कोई थॉट लेके मीटिंग किया जाता है जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे बॉस है ऑफिस में एंड उनके नीचे जूनियर्स हैं उनके जूनियर्स के और जूनियर्स हैं तो सडनली बॉस वॉज नॉट इम्प्रेस बाई हाउ द मैनेजमेंट वॉज वर्किंग उनको कंप्लेन्स मिले से कोई एक प्रोडक्ट ले लेता है एक्सपाइजर्ड प्रोडक्ट है जो उनका मार्केट में चलता है एंड सडनली कस्टमर रिव्यूज़ बहुत खराब आने लगे कि आपका सपोर्ट सिस्टम ठीक नहीं है ठीक है या फिर से uh, प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम uh, uh, आ रहा है वो प्रोडक्ट जो भी है इट्स नॉट वर्किंग फाइन तो काफ़ी कस्टमर्स ने से अमेजन पर फ्लिपकार्ट अगर रिव्यू दिया है कि डो नॉट बाई दिस प्रोडक्ट एंड बॉस ने यह चीज़ देखा है एंड आई ही वॉन्ट्स टू नो वट इज़ द मेन रीजन बिहाइंड वट इज़ हैपनिंग पहले तो प्रोडक्ट इतना अच्छा चलता था सो ही कॉल्ड अप एवरी वन की लेट्स इतना बजे मीटिंग है या फिर वो सबको एक मेल करेगा या जो भी वो हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है मीटिंग uh, में सबको इन्फॉर्म कर दिया गया कि मीटिंग है इतने बजे यू ऑल हैव टू बी प्रेजेंट सब आए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ एंड एवरी वन इज लाइक कि सबका डिटेल लिया जाएगा कि आपका काम आप कैसे करते हो um, इस प्रोडक्ट के पीछे आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है कहाँ गलती हो रही है उनका मेन मोटिव ही उस मीटिंग का ये है कि हमें ये पता करना है कि प्रोडक्ट में गलती कहाँ हो रही है तो सारे डिपार्टमेंट्स वहाँ प्रेजेंट होंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रेजेंट होगा सेल्स डिपार्टमेंट होगा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट उनको जिसके साथ भी डिस्कस करना है तो वो सपोज उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बुलाया तो प्रोडक्शन में जितने लोग भी इन्वॉल्व है जो टेक्निकल टीम है जो भी जितने भी है प्रोडक्शन टीम में जितने भी लोग हैं वो लोग आएंगे डिस्कस करेंगे कि अच्छा गलती कहाँ हो रही है तो मोटिव क्या है उस मीटिंग का ये पता करना कि आखिर प्रोडक्ट में गलती कहाँ हो रही है तो मीटिंग हो गया डिस्कशन हो गया उसके बाद एक सोल्यूशन भी होके मीटिंग वॉज सक्सेसफुल कि चलो हमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया एंड देन उसके बाद उस मीटिंग के बाद उस मीटिंग के बाद इन्होंने एक सोल्यूशन सोचा सबने कि हाँ हाँ ऐसे करेंगे प्रोडक्ट में ये छोटा सा एक बग था वो बग हमने समझ लिया है उसका सोल्यूशन भी कर लिया कि प्रोडक्शन में से मिस्टर शर्मा ये आपको ठीक करना है यस आई हैव अंडरस्टूड सर थैंक यू सो मच मुझे आप आ, पांच दिन की टाइम दीजिए मैं पांच दिन के अंदर आपको इसका रिपोर्ट करके एंड द प्रोडक्ट में जो भी डिफेक्ट है वो सब ठीक हो जाएगा ठीक है तो एक्शन क्या लिया गया मीटिंग के बाद कि मिस्टर शर्मा विल ये सब कुछ ठीक करेंगे ठीक है तो मीटिंग का मतलब ही होता है कि हम कोई मोटिव से मिलेंगे

एल्यूसिडेट नीड फॉर एन एजेंडा एलुसिडेट मतलब जानते हैं और क्लियरली समझते हैं कि एजेंडा एजेंडा का मतलब वही जो मैं मोटिव मोटिव कर रही हूँ ना अभी कि मीटिंग करने का कोई रीजन uh, होना चाहिए तो एजेंडा उसी को बोलते हैं ओके स्टेट एलिमेंट्स दैट एजेंडा इसका मतलब जो एजेंडा है हमारा वो क्या क्या चीज से बनता है तो उसके बारे में और सीखेंगे डिस्कस हाउ टू फॉर्म एन एजेंडा अगेन एजेंडा के बारे में और सीखना है लर्न टेकिंग डाउन नोट्स ड्यूरिंग मीटिंग ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये इसके बारे में आगे आएगा डिटेल जैसे कि ये जो अभी हम एग्जाम्पल ले रहे थे प्रोडक्शन टीम आया है बॉस कुछ बोल रहा है डिस्कशन हो रहा है एंड देन वी आर लाइक चलो अब सब सल्यूशन सुन लो तुम्हें ये, तुम्हें ये करना है तुम्हें ये करना है तुम्हें ये करना है तो हम लोग सब अपना नोट्स ले लेंगे नोट मेकिंग आता है हमें हम लोग नोट्स ले लेंगे अच्छा बॉस ने ऐसे ऐसा बोला ऐसे ये मेरा पार्ट है ये इसका पार्ट है ये उसका पार्ट है सब अपना अपना पार्ट करेंगे

जो पूरा मीटिंग का जैसे कि हम सोचते ये वाली जो ये वाली लड़की है ये जो साइड में ब्लू वाली लड़की है ये बैठ के पूरा मिनट्स लिख रही है शील राइट डाउन की क्या क्या डिस्कशन हुआ से बॉस ने ये बोला फिर उसके बाद ऐसा प्रपोजल आया सामने से फिर भी फाउंड आउट कि क्या डिफेक्ट है फिर हमने ये सोल्यूशन निकाला तो मिनट्स का मतलब होता है पूरा डिटेल लिखना कि मीटिंग में क्या हुआ मिनट्स क्यों लिखते हैं बहुत सारा रीजन हो सकता है मिनट्स लिखने का एक रीज़न खाली मैं आपको ये दे सकती बॉस दो-तीन पार्टनर्स हैं ठीक है तो बॉस अकेला आ गया है मीटिंग में पूछने के लिए और बाकी दो पार्टनर्स अदर वर्क तो वो जो भी मीटिंग हुआ अब ऑब्वियसली बाकी पार्टनर्स के पास इतना टाइम थोड़ी है कि आके फिर मीटिंग करेंगे फिर आपके साथ वही वाला डिस्कशन करेंगे नहीं डू इज जस्ट मीन मिनट्स लिखा हुआ अच्छा 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 ये सब

फाइन तो मीटिंग इज ऑल अबाउट दिस अभी हमने एक अच्छा खासा एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया आइए और आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है डेफिनेशन के पीछे हमें क्यों भागना है हमें कोई डेफिनेशन के पीछे नहीं भागना है हम समझ गए कि मीटिंग क्या होता है फॉर्मल या इनफॉर्मल फ्रेंड से मिलना या फिर बिजनेस मीटिंग्स डेलीबरेटिव असेंबली ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत सारे लोग साथ में एक साथ में मिल आ रहे हैं कॉल टू डिबेट सर्टन इशूज एंड प्रॉब्लम डिबेट मतलब बात बात करेंगे एक दूसरे के साथ झगड़ा का झगड़ा नहीं मतलब डिबेट इज नॉट झगड़ा डिबेट इज नॉट आर्ग्यूमेंट इट्स लाइक डिबेट करते आप कुछ बोल रहे हो फिर मैं कुछ बोल रही हूँ फिर आप कुछ बोल रहे हो कोई भी सर्टन इशू सर्टन मतलब पहले से पता है कि कुछ किसी बारे में बात करनी है आई टू टेक डिसीजन कुछ डिसीजन लेना है फॉर्मल मीटिंग्स आर हेल्ड एट डेफिनेट टाइम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड के साथ मिलते चल छह बजे मिलते हैं अरे यार सॉरी लेट हो गया यार साढ़े छः बजे पापा आने वाले हैं तो मना कर रहे हैं चल सात बजे मिलते हैं वो सब चलता है बिजनेस मीटिंग में ये सब नहीं चलता है नाइन ओ मतलब नाइन ओ ठीक है तो फॉर्मल मीटिंग्स आर हेल्थ डेफिनेट टाइम्स डेफिनेट प्लेस ऑल्सो ऑब्वियसली ना ऑफिस में मीटिंग है कहाँ मीटिंग कहाँ जाना है बॉस के रूम में जाना है बोर्ड मीटिंग में रूम में जाना है कहाँ जाना है या फिर जैसे कि अगर पाँच छः हेड ऑफिस में मीटिंग्स है या पाँच छः ब्रांचेस में मीटिंग है तो कौन से ब्रांच में मीटिंग है ठीक है तो डेफिनेट प्लेस यूजली फॉर अ डेफिनेट ड्यूरेशन

ये तो कुछ पता ही नहीं किस लिए मीटिंग चला बैठते हैं पता ही नहीं यार किस लिए बुलाया है ये सब नहीं होता है प्रॉपर तो बताया जाता है कि किस बारे में मीटिंग है इन अ कॉर्पोरेट सेटिंग बिजनेस की बात करते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स दो मीटिंग होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग होता है और एक ऑपरेशनल मीटिंग होता है ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग का मतलब नॉर्मली अ रेगुलर मीटिंग इन्वॉल्व इन्वाल्विंग स्टॉक होल्डर्स दट इज शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट सच इज बोर्ड मीटिंग एंड एनुअल जनरल मीटिंग देखो ऑर्गनाइजेशनल मीटिंग क्या होता है ना कि uh, जब भी कोई आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होते हैं जो लिस्टिड कंपनीज होते हैं जिनके शेयर होल्डर्स होते हैं जैसे कि कोई भी कंपनी ले लो टाटा मोटर्स ले लो आप आइकम um, मोटर्स ले लो या फिर आप uh, कोई कोई भी कंपनी ले लो जो भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है ठीक है आई टी सी ले लो आप एम आर एफ टायर्स ले लो जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसके भी बड़ी हो छोटी हो कोई भी कंपनीज हो जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनको एवरी ईयर अपने शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग रखना कंपलसरी है ठीक है तो ये सब आप लॉ में भी पढ़ोगे लॉ में भी पढ़ोगे इंटरमीडिएट में इसके ऊपर पूरा और uh, डिटेल में लॉ में है कि कैसे मीटिंग रखना है क्या करना है सब कुछ सब कुछ है ठीक है तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि uh, बोर्ड मीटिंग्स होते हैं जैसे कि आपके जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में आपको मालूम है देर इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी को मैनेज करते हैं है ना बिकॉज वट वी लर्न की ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है ये सब आपने पढ़ा है तो मैं इसमें ज्यादा नहीं गुजूंगी इसमें खाली हमें ये ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट और स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स के बीच में मीटिंग्स एवरी ईयर होते ही है या फिर एक अग्रीड टाइम पे होते हैं कि हर छह महीने में एक मीटिंग होगा हर साल मीटिंग होगा ठीक है तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग जैसे कि बोर्ड मीटिंग होता है या फिर एनुअल जनरल एजीएम होता है ठीक है एनुअल जनरल मीटिंग वो हर साल होता है स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स के साथ एक और क्या होता है एक और होता है ऑपरेशनल मीटिंग रेगुलर और हार्ड ऑर्क मीटिंग इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज सच एज अ एजी मीटिंग प्लानिंग मीटिंग एंड अ सेल्स मीटिंग इसका मतलब क्या हुआ जैसे मीटिंग के बारे में अभी हमने एग्जाम्पल लिया था ना वो है ऑपरेशनल मीटिंग कि मतलब कंपनी के इनसाइड में जो भी मीटिंग्स होती है जो भी मीटिंग्स चाहे जो भी मोटिव से वो मीटिंग्स हो रही हो ठीक है मैं बिजनेस मीटिंग की बात कर रही हूँ आपस में एम्प्लॉई ऐसी मीट करे वो नहीं ठीक है रेगुलर और आडॉक मीटिंग मतलब um, कि तुरंत बुलाया गया है कोई ना कोई एजेंडा के लिए मतलब कोई ना कोई डिस्कशन के लिए तुरंत बना आ, मीटिंग बुलाई गई है रेगुलर मतलब पता है कि हर फ्राइडे को आ, शा, से शाम को पांच बजे सेल्स मीटिंग होती है तो उसमें जाना है रिपोर्ट करना है तो रेगुलर भी हो सकता है या तुरंत इस तरीके का बुलाया हुआ मीटिंग भी हो सकता है इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट और इम्प्लॉई आपस में जो भी बात कर रहे हैं कमिटी मीटिंग प्लानिंग सेल्स प्रोडक्शन मीटिंग कोई भी टाइप की मीटिंग और हो गई तो फर्स्ट टाइप की मीटिंग क्या हो एक हुई आपकी कंपनी और बाहर यानी शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग और एक मीटिंग हुई आपके अंदर अंदर में जो भी ऑपरेशनल मीटिंग होती है ठीक है सो इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको बहुत अच्छा दे दिया है तो इसको आप रीड कर लो ठीक है इंट्रोडक्शन आप रीड कर लो मीटिंग आपको आराम से समझ में आएगा रिक्वेज ऑफ मीटिंग वट इज रिक्वायर्ड वट आर दिंग्स और वट आर दट आर दिंग्स रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग क्या क्या चाहिए मीटिंग के लिए चलो देखते हैं सिलेक्ट द राइट पार्ट Recipients. select the right participants मतलब किन लोगों के साथ मीटिंग करनी है जैसे कि अभी हमारा जो एग्जांपल था प्रोडक्शन में डिफेक्ट है प्रोडक्शन में अगर डिफेक्ट है तो बॉस जो मीटिंग के लिए बुलाएगा वो क्या वॉचमैन um, को बुलाएगा मीटिंग के लिए इज इट इज इट रिक्वायर्ड क्लीनिंग डिपार्टमेंट को बुलाएगा मीटिंग के लिए इज इट रिक्वायर्ड नो सेल्स को बुलाएगा सेल्स टीम मतलब क्या जो प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं प्रोडक्शन में डिफेक्ट है तो सेल्स वाला बोलेगा सर मैं क्या करूँ प्रोडक्शन में डिफेक्ट है तो आप प्रोडक्शन को बोलिए प्रोडक्शन टीम कौन सी हो गई जो लिटरली मशीन में बैठ के बनाती है जो वेज, जो वेज लेबरर्स है या जो टेक्निकल काम वाम करते हैं ठीक है थीके? जो भी उस प्रोडक्ट को बनाने का काम करते हैं उनको बुलाना है ना सेल्स टीम को बुला के क्या करेंगे ठीक है तो लेट्स जस्ट गो थ्रू दिस द पार्टिसिपेंट्स इन द मीटिंग हैव टू बी विद एक्सट्रीम केयर Often people are included because they belong to the department or a part of the team or because you don't want to offend anyone। अच्छा यहां पर यह बोला जा रहा है कि कितने लोगों को ऐसे ही बुला लिया जाता है क्योंकि बस वो है ऑफिस में है टीम में है तो बुला लिया उनका कोई काम नहीं मीटिंग में ठीक है या फिर ऐसा भी हो सकता है बहुत सोचेगा कि या प्रोडक्शन को बुलाऊंगा तो सेल्स वाले को लगेगा कि यार हम लोग को नहीं बुलाता है मीटिंग में तो नहीं बुलाया उन लोग को यह सोच के अब थोड़ी ना मीटिंग बुलाएगा ठीक है और बिकॉज़ यू डोंट टू बट ज इन अ फुल मीटिंग पार्टिसिपेंट्स मस्ट हैव अ रीजन फॉर अटेंडिंग अगर आप चाहती हो कि आपका जो मीटिंग है वो बहुत ही मतलब काम वाला मीटिंग हो ढंग का हो है ना तो उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स है उनको एक रीजन होना चाहिए ना कि वो क्यों आए मीटिंग में

तो आप ऐसे लोगों को बुलाओ जो एक्चुअली उस मीटिंग के मोटिव में सूट करते हैं ठीक है पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द इश्यू ऑब्वियसली उनका कोई पॉइंट है कि चलो ठीक है चलो सेल्स वाले बंदे को नहीं बुलाते हैं जो मैनेज करता है आपका जो बिजनेस हेड है ठीक है से बॉस के बाद उनका जो बिजनेस हेड है उसके बाद सारे टीम्स है तो बिजनेस हेड आएगा वो भले ही पूरा का पूरा प्रोडक्शन नहीं जानता है बट स्टिल ही विल हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू कि नहीं ये हम मुझे लग रहा है कि ये ऐसे नहीं ऐसे आप लोगों को ज्यादा पता होगा बट आई थिंक ऐसा ऐसा उसका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो इसका मतलब ही इज इंटरेस्टेड इन दैट मीटिंग ठीक है द नीड टू नो द अथॉरिटी टू मेक अ डिसीजन ऑब्वियसली अगर uh, से प्रोडक्शन टीम का डिफेक्ट है और बिजनेस हेड प्रोडक्शन टीम के साथ मीटिंग कर रहा है और बॉस को नहीं पता मतलब जो ओनर ऑफ द कंपनी उसको नहीं पता बट डिसीजन किसके पास डिसीजन की अथॉरिटी किसके पास है बॉस के पास वही बोलेगा ना हाँ जाओ कल से ये प्रोडक्ट बंद कर दो क्या वो अथॉरिटी प्रोडक्शन टीम के पास है नहीं वो तो अथॉरिटी तो बॉस देगा तो फिर बॉस भी उस मीटिंग में आएगा और एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट विल एड अगेन एक मिस्टेक है यहाँ एड होगा दैट विल वैल्यू टू द डिस्कशन एंड लीड टू सम कंक्लूजन तो इसका मतलब सेलेक्ट द राइट पार्टिसिपेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइन इसका जैसे एक इनफॉर्मल एग्जाम्पल क्या होगा बर्थडे का चल -चल मीटिंग करना है कौन कौन आएगा तो जिस को बुलाना ही नहीं है right मम्मी को रखोगे में, क्योंकि पैसा कौन देगा पार्टी के लिए मम्मी देगी या पापा देंगे तो आप दोनों में से किसी ना किसी को तो रखोगे तो इसको इसी तरह से समझ लो ओके नेक्स्ट वी हैव सेंट इंटीमेशन टू ऑल पार्टिसिपेंट्स इसका मतलब क्या जो भी आप चाहते हो कि जो भी मीटिंग में आए उनको तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना भाई आपको भी बुलाया गया है आपको भी आना है उनको पता ही नहीं है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और सोचोगे कि उसको खुद से पता चल जाए ऐसा नहीं होता मीटिंग जब भी डिसाइड हुई कि मीटिंग करना है सबसे पहले बॉस के दिमाग में सबको बुलाते हैं हिल कॉल अप पीपल हिल ई जो भी प्रोसेस है वो अभी देखेंगे बट सबको बताना जरूरी है इंटीमेशन देना जरूरी है नोटिस फॉर द मीटिंग शुड भी सेंड बाई प्रॉपर अथॉरिटी एटलीस्ट टू टू थ्री डेज बिफोर द मीटिंग हाँ अब ऑब्वियस वो एडॉक मीटिंग जो था एडक मतलब जो तुरंत बुलाया गया मीटिंग जो बॉस वाला था प्रोडक्ट डिफेक्ट का वो तो तुरंत ही बुलाएगा बट जनरली जो मीटिंग्स होती है कि चलो अपने को इस मत, सोच रहे हैं कि इस मंथ एक बार देख लेते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहे हैं तो एक काम करते इस लास्ट फ्राइडे को उनका उनके साथ मीटिंग करते हैं उनका खबर लेते हैं तो दो तीन दिन पहले उनके पास एक मेल चला जाएगा कि यू पीपल आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग एट इतना इतना टाइम या जो भी वो अभी हम लोग देख लेंगे

नेक्स्ट वी नीड टू सेट एन एजेंडा एजेंडा क्या होता है हम सबने समझा है एजेंडा मतलब वो मोटिव तो एजेंडा मस्ट बी प्रोवाइडेड बिफोर द मीटिंग एजेंडा इज द फ्रेमवर्क ऑन विच द मीटिंग स्टैंड ये तो हम सबको पता चल चुका है कि एजेंडा का मतलब ही वो होता है कि मीटिंग किस लिए कर रहे हैं फालतू का तो इतना टाइम है नहीं कि बेकार का मीटिंग करेंगे टाइम वे टाइम बहुत है हमारे पास ऐसा तो है नहीं इट कम्युनिकेट्स द सब्जेक्ट ऑफ द मीटिंग सर सब्जेक्ट ऑफ द मीटिंग बताता है एजेंडा कि किस बारे में बात होगी कौन कौन स्पीकर्स है और कितना कितना टाइम आ, स्पीक, कितना स्पीकर को दिया गया है तो क्या ही? इस तरीके का भी मीटिंग हो सकता है अब देखिए जो हमने एग्जांपल लिया था ना आर्ट हॉक मीटिंग वाला कि प्रोडक्शन को आ, बुलाते हैं मीटिंग करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उसमें इतना कुछ डिसाइडेड नहीं होता क्योंकि वो तुरंत का तुरंत बुलाया गया है बट जो मीटिंग्स पहले से डिसाइडेड है जो मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया था कि सेल्स का क्या डिपार्टमेंट का क्या परफॉर्मेंस है वो देखना है तो उसमें क्या हो सकता है कि नेम ऑफ द स्पीकर डिसाइड कर ले कि जो सेल्स टीम का पहला बंदा है वो इतना देर बोलेगा सेकंड बंदा इतना बोलेगा थर्ड बंदा इतना देर बोलेगा तो वो भी बताया जा सकता है सो दैट दे कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली कि अच्छा सबसे पहले मेरा चांस आएगा तो मेरे को तो प्रिपेयर होना है क्योंकि जाते ही मेरे को बॉस बोल देगा कि चलिए आप अपना रिपोर्ट दीजिए ठीक है ओके नेक्स्ट इज इज अ ऑफ फैसिलिटेटर फैसिलिटेटर अपॉइंटेड टू गाइड द मीटिंग टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन मतलब एक अपॉइंटमेंट देखो दिस इज नॉट मैंडेटरी ये सारा प्रोसेस ऐसा नहीं है कि ये एक एक प्रोसेस करना ही पड़ेगा अब जैसे जो यहाँ पर हमारे केस में जो बॉस है वही फैसिलिटेटर है वही सबका सुन के लास्ट में कंक्लूजन निकालेगा और ही कैन अपॉइंट एनी वन एनी अदर पर्सन ऑल्सो इन जो हमने एक केस लिया था ना कि सपोज बॉस को पता ही नहीं है कि प्रोडक्शन में क्या डिफेक्ट है वो जो भी कोई और नहीं आके बताया वो मीटिंग कंडक्ट हुआ उस तो बॉस आके बैठा है कि अच्छा देख लेते लोग क्या बात करें ताकि कोई डिसीजन होगा तो हाँ या ना बोल देंगे ठीक है तो ही विल नॉट बी द फैसिलिटेटर ऑफ दैट मीटिंग जिसको उस पूरे मामला के बारे में पता है जो ठीक से ध्यान देके सबका बात सुनना, लास्ट में ही विल बी जो पूरा मीटिंग को खत्म की तरफ लेके जाएगा कंक्लूजन की तरफ लेके जाएगा कि चलिए इस मीटिंग में ऐसा ऐसा डिसाइड हुआ, सो ही ही विल विल लाइक बी द मतलब वो एक तरीके से ऐसा बंदा होगा जो मीटिंग को पूरा का पूरा कंडक्ट करेगा ठीक है ना कि मीटिंग में झगड़ा हो जाए बिल्कुल पॉसिबल है ग्रुप डिस्कशंस देखे आपने ग्रुप डिस्कशन वगैरह इंटरव्यूज के पहले होते हैं ग्रुप डिस्कशंस में uh, से दस लोग इंटरव्यू <coughs> देने आए हैं कोई एक टॉपिक दे दिया गया है उन्हें एंड दे हैव टू डिबेट ऑन इट तो ऐसा हो सकता है कितनी बार कि लोग सेम कंक्लूजन पे ना आए कुछ लोग बोल रहे नहीं मेरे हिसाब से डिफेक्ट हमारा नहीं डिफेक्ट इस टीम का है या फिर ये डिफेक्ट इससे ठीक नहीं होगा एंड सम पीपल लाइक नहीं हो जाएगा तो डिबेट हो सकता है दे आर नॉट रीचिंग ऑन द सेम कंक्लूजन सु so, जो फैसिलिटेटर होगा ना उसका काम ये रहेगा कि वो सबको शांति से करके चलिए ठीक है चलिए वेट इतना प्रॉब्लम हो रहा है चलिए वोट करते हैं जो इस डिफेक्ट के जो सलूशन हमने निकाला है जो इसके सपोर्ट में वो हाथ उठाएंगे तो सपोज दस में से 6 वोट उठ गए तो हो गया ना डिसीजन डन है तो ही विल बी द वन जो सबको uh, समझा बुझा के जो, जो भी है ही फाइंड आउट द प्रॉपर कंक्लूजन उसका काम यही रहेगा ठीक है ही कंसेंसिस मतलब सबका uh, <coughs> मतलब इक्वल वो मिल जाए उसको सबका इक्वल वोट्स मिल जाए या फिर uh, सबका हामी से सबकी uh, हाँ सबका हाँ बोलने से ही uh, वो डिसीजन लिया जाए ठीक है द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर अकाउंटेबल एंड कमिटेड टू द रेजोल्यूशन टेकन बाय दी जो भी सोल्यूशन उन्होंने सामने वाले ने दिया है कि प्रोडक्शन टीम ने बोला ठीक है सर चिंता मत करिए ये हम ऐसे से कर देंगे तो ऑब्वियसली वो लोग तो उसे स्टिक करेंगे क्योंकि उन्होंने बता दिया है मीटिंग में कि उनको ऐसे काम करना है ही इंश्योर्स दैट द मीटिंग स्टेज ऑन ट्रैक हैज बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर टू द प्रोसेस एंड एनेबल्स कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग विदाउट कॉन्फ्लिक्ट अब ऑब्वियसली जो फेसिलिटेटर uh, है उसका काम क्या है उसका काम ये है कि एक तो मीटिंग ट्रैक पर है ट्रैक पर है मतलब मीटिंग का जो टॉपिक जो थीम है जिसके लिए हम लोग आए हैं उससे डिविएट नहीं हो जाए प्रोडक्शन का डिफेक्ट के बारे में बात हो रहा था अचानक कोई बंदा बोला सर मेरे को एक और कंप्लेन है हमको इस ऑफिस में काम नहीं करना है um, मेरा सैलरी टाइम पे नहीं मिल रहा है और सारा डिस्कशन उधर चल जाए तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ कंडक्टिंग दिस मीटिंग ये बात हम लोग बाद में करेंगे तो फैसिलिटेटर का काम ये है कि एक तो मीटिंग तो जो है वो सही ट्रैक में चल रही है जिस पॉइंट के लिए मीटिंग रखा गया वही पॉइंट का डिस्कशन हो

ही he, विल he कि सब को डिसीजन पे आ जाए बिना झगड़ा झमेला पे होना चाहिए जहाँ पर सब सही सो, एक जैसा सोच रहे हो ठीक है तो एक तो क्लियर कंक्लूजन पे आना है और उसके बाद आगे क्या करना वो है वो बताइए झगड़ा वगड़ा तो बाद में होता रहेगा ठीक है मेनी टाइम्स मीटिंग कर लिएक टू मोर तो ऐसा भी हो सकता है ना आफ्टर डेलीब्रेशन ऑन एन एजेंडाडा टॉपिक मतलब आफ्टर पूरा एफर्ट दे दिया गया उस एजेंडा टॉपिक के लिए इट इज ने टू समराइज वट वस्ड जो मैंने मिनट्स के बारे में बताया आपको तो लिखना ही चाहिए कि क्या डिस्कस हुआ पचास मीटिंग होगा अगर एक एमएनसी में तो क्या पचास मीटिंग का किसी को कुछ पता नहीं क्या हुआ था तो सब चीज का तो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू नो दैट स्टेट लूसिडली द एकदम ब्रीफली लिख लो कि क्या क्या हम लोग ने डिडक्शन मतलब क्या क्या हम लोग कंक्लूजन पे आए आज इन कि लास्ट में हम लोग ने क्या डिसाइड किया एंड डिसाइड ऑन द फ्यूचर स्टेप्स दैट टू बी टेकन हमने क्या कंक्लूजन आया और हम लोग ने क्या आगे के लिए सोचा है एट द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग ब्रीफली रिकाउंट द प्रोसी एक सेकेंड यहाँ की इंग्लिश कुछ गड़बड़ है एट द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग रिकाउंट द summarize. ओके okay, यहाँ पर इन्होंने ए गलत दिया है देखो ये सब चीज अब आप खुद से भी समझना चालू कर दो अब आप लोग काफी ग्रामर पढ़ चुके हो At द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग ब्रीफली रिकाउंट द प्रोसीडिंग्स ब्रीफ में एकदम देख लो कि क्या क्या बातें हुई थी डिस्कस भी कर सकते हो लिख भी सकते हो और समराइज कर लो कि आगे हमें क्या करना है जैसे सपोज बॉस ने सारा वो कर लिया कि प्रोडक्शन में क्या डिफेक्ट है उसके बारे में बात बात हो गई और प्रोडक्शन में चालीस लोग हैं जिनमें से चार उनके हेड्स आए थे आज मीटिंग में उन्होंने आपस में कर लिया कि चलो तुम्हारा काम ये है तुम ये करके रखना फिर मैं ये करके रखूंगी कर तो विल जस्ट नोट डाउन की अच्छा मुझे ये करना मुझे ये करना ठीक है नेक्स्ट इज क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिविटी एंड पार्टिसिपेशन ऑब्वियसली अब जैसे क्या होता है ना कि ये वाला जो चलो मीटिंग जो हमने अभी जिसके बारे में बात की वो तो एकदम कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे में थी जनरली ऑफिस में बहुत बार मीटिंग्स रखे जाते हैं कि जस्ट टू टेक द फीडबैक ऑफ द एम्प्लॉज कि वो क्या चाहते हैं उनको क्या लगता है कि हमारा कंपनी और कैसे प्रोग्रेस कर सकता है उनको क्या लगता है कि हमारी कंपनी में किस चीज़ की कमी है um, उनका फीडबैक लेना या उनका सजेशंस देना क्योंकि क्या होता है ना कि व्हेन पीपल आर वर्किंग इन एन इन अ गुड कंपनी तो बहुत बड़ा कंपनी किसको टाइम है कि किससे बात करे जो काम ये लो तुम्हारा काम यू हैव टू डू दिस वर्क एंड सबमिट ऑन फ्राइडे इस तरीके से काम होता है बहुत ही मोनोटनस हो जाता है ऐसा काम इट्स लाइक पीपल गेट बोर्ड एंड अगर उनको कोई आइडिया है कि यार पागल है अब बॉस पागल है उसको आता उस 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 नहीं है मैं होता मैं ऐसे करता बहुत बार कंपनीज में इस तरीके की बातें होती है कि ही दे डोंट नो हाउ टू वर्क आई नो बेटर आई नो बेटर देन सीनियर अब अगर उसके पास कुछ रियल में अच्छा सजेशन हो ही सकता है इट्स पॉसिबल कि आपसे छोटे भी आपसे कुछ अच्छा आइडिया हो उनके पास आपसे बेटर आइडिया हो तो वो कैसे बताए तो जब इस टाइप का कोई मीटिंग रखा जाएगा फीडबैक मीटिंग तो जरूर सामने वाला बोलेगा और इस इस टाइप की मीटिंग्स में क्या होता है कि बॉस को सही में अगर अच्छा लगे वो आइडिया तो वो उसको रिवॉर्ड करता है वो उसको प्रमोशन देता है है ना तो मीटिंग्स आर हेल्पफुल इन दिस ऑल्सो सो वट आई वॉज इज इन मोस्ट मीटिंग द स्ट्रक्चर इज टॉप सेंट्रिक दैट इज सीनियर मैनेजमेंट स्पीक्स एंड द जूनियर ओनली कंट्रीब्यूट आज टू गिव दर इनपुट ये भी सही बात है कि कितना बार मीटिंग्स में क्या होता है कि बॉस आया बख्वा बबूगा बख अपना किया हाँ तुमको कुछ कहना बोलो तुमको कुछ बोलना है आ, तुम्हारे को ऐसे पूछा गया है तुम इसका जवाब दो बस तो इस टाइप का होता है इट्स टॉप सेंट्रिक टॉप सेंट्रिक का मतलब टॉप में जो लोग हैं वो सेंटर में है मतलब सपोज ये बोर्ड मीटिंग है यहाँ बॉस आके बैठा अब बॉस जो बोल रहे हैं बाकी सब यहाँ यहाँ बैठे हैं बॉस जो बोल रहे हैं वही बातें हो रही है बाकी के किसके क्या मन में चल चला इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इट्स टॉप सेंट्रिक जो टॉप पे है वही बोलेगा ज लैक ऑफ फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज इन्फॉर्मेशन एंड ऑपॉर्चुनिटीज टू स्पीक द मेम्बर्स फेल टू कॉन्ट्रीब्यूट परसपेक्टिव क्यूरियासिटी एंड क्रिएटिविटी अब जब उनको बोलने का ही अधिकार नहीं है तो अगर किसी के मन में आइडिया वगैरह भी हो जिससे एक्चुअली कंपनी का फायदा हो सके तो वो तो नहीं होगा ना फिर अब अब बेचारे को बोलने का भी मन है बट बॉस बोलने ही नहीं दे रहा तो ये नहीं होना चाहिए ठीक है इन सच सिनारियो द पर्पज ऑफ द मीटिंग इज डिफीटेड फिर क्या होता है कि बस बॉस जिसके लिए मीटिंग में आया था बस वो अपना बोल के चला गया बाकी देखो मीटिंग्स में क्या होना चाहिए कि मीट कर रहे हैं लोग दो जन मीट कर रहे हैं दो जन बात कर रहे हैं तो दोनों जन को बात करने का मौका मिलना चाहिए ना आज अच्छा। सामने वाला खुद बकबक -बक करके चला गया सामने और बाकी दूसरा को कुछ कोई चांस ही नहीं मिला बात करने का तो उससे क्या फायदा हुआ जैसे क्या होता है मीटिंग हो गया ठीक है बात बात हो गया बट जब तक सामने वाला ही अपना आइडियाज मेरे को नहीं दिया तो मेरा मेरे लिए वन साइडेड मीटिंग हो गया ये ठीक है वेरी सक्सेसफुल मीटिंग शुड भी अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मल्टीपल इन टू द रूम जो हमारे यहाँ पर वो था ना कहा गया अब मीटिंग हाँ हम लोग किस लिए बुलाते हैं यहाँ पर एक दो तीन चार पांच छह लोग बैठे हैं छह लोगों को तो इसलिए बुलाया गया ना क्योंकि मुझे उसका भी परस्पेक्टिव जानना है वो क्या सोच रहे हैं तुम बताओ तुम क्या सोच रही हो तुम बताओ तुम्हारा क्या कहना है इसमें इसीलिए तुम तो मीटिंग बुलाया गया नहीं तो अगर मुझे तुम लोगों को ओ, मतलब खाली बताना है और तुम लोगों से कुछ पूछना नहीं है तो मीटिंग की क्या जरूरत है मैं बस एक ऑर्डर पे साइन करके लेटर लिख के सबको भिजवा दूंगा कि बस तुम लोग को कल से ये करना है मीटिंग तो इसलिए बुलाया जाता है कि चलो फेस टू फेस डिस्कस करते हैं हम लोग ठीक है टू ब्रिंग मल्टीपल द रूम यही हम डिस्कस कर रहे थे इन ऑर्डर टू कोलाबोरेट डिबेट डिसाइड एंड परफॉर्म द रियल वर्क ऑफ अ टीम कंपनी कभी भी टीम वर्क के बिना नहीं चल सकती एक अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर सकता तो टीम वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मीटिंग्स गिवन गिवन अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू स्पीक टू टू डिस्कस एंड परफॉर्म एज अ टीम फाइन ओके आई थिंक मीटिंग्स के बारे में अच्छा खासा इंट्रोडक्शन कर लिया हमने दूसरा नीड फॉर एजेंडा आई थिंक एजेंडा के ऊपर हमने बहुत डिस्कशन किया कि नीड तो है यार एजेंडा के बिना क्या बात करेंगे फ्रेंड फ्रेंड थोड़ी खेल रहे हैं यहाँ पर ठीक है आपर, जैसे एक रीडिंग लगा लो इसको अजेंडा क्यों चाहिए क्योंकि एक पर्पस या ऑब्जेक्टिव चाहिए मीटिंग का क्या क्या इश्यूज टॉपिक्स डिस्कस करना वो चाहिए मीटिंग चाहिए कि फोकस रहे इशू के ऊपर ऑन ट्रैक रहे ऑफ ट्रैक ना जाए डज नॉट अलाउ स्पीकर्स टू डेविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट एंड इशूज एट हैंड अगर मुझे पता ही है कि मीटिंग प्रोडक्शन के डिफेक्ट के लिए बुलाई गई है तो मैं अपनी सैलरी की बात उस मीटिंग में नहीं करूंगी पहले से अगर किसी को बता दू तो उसको पता है कि मुझे इस बारे में प्रिपेयर करके जाना है अलॉट स्पेसिफिक टाइम टू ई स्पीकर अच्छा एजेंडा में यह भी बताया जाता है ना कि कौन स्पीकर कितना टाइम लेगा तो ये भी अच्छा होगा कि मुझे पता है मैं प्रोडक्शन टीम में से वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हूँ जो प्रोडक्शन टीम में है और मेरा नाम के बगल में लिखा है दस मिनट तो यानी मुझे पता है कि एक तो मुझे प्रिपेयर करना है और मुझे इस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि मैं दस मिनट ही है भाई मेरे पास तो जितना बोलना है उस दस मिनट में मुझे बोलना है और अपना पॉइंट्स आगे रखना है इन्फॉर्म द सीक्वेंस इन विच मेम्बर्स स्पीक सीक्वेंस बताना जरूरी है ना अगर ये पता है कि मेरे को दस मिनट मिलेगा ठीक है और मेरे को ये नहीं बताएगा कि मेरा ऑर्डर क्या है हम तो जाएंगे बैठे रहेंगे अचानक बोलेगा अरे तुमसे तो स्टार्ट करना यू स्टार्ट एंड आई विल बी लाइक आई एम नॉट प्रिपेयर नेक्स्ट uh, बंदे सब सोच रहे होंगे मेरा चांस कब आएगा मेरा चांस कब आएगा इतना क्या करना है यहाँ पर कोई अपने कॉम्पिटिशन थोड़ी खेल रहे हैं ऐसा तो कुछ है नहीं इससे अच्छा सामने वाले को बता के नक्की करूँ ना प्रोडक्शन टीम में से पहले दीक्षा का चांस फिर रिया का चांस फिर ऐसे चार नाम बता के रख लूँ ठीक है तो ईजी हो जाएगा ओके okay, देखो इस टाइप से जो भी अभी तक हमने पढ़ा ना उसका इतना अच्छा टैबुलर रिप्रेजेंटेशन दिया है देखो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है मीटिंग का टाइम स्टार्ट हो रहा है टॉपिक इंट्रोडक्शन अटेंडीज नेम्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आज सपोज यहाँ पर देख रहे हो आप मीटिंग नौ बजे से शुरू हो रहा है और ग्यारह पचास तक चल रहा है इसका मतलब दो घंटा पचास मिनट का मीटिंग है ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि अगर मीटिंग में जैसे पाँच छः टॉपिक्स पर डिस्कशन हो रहा है तो एक टॉपिक का कोई और पार्ट बने सेकेंड टॉपिक का कोई और पार्ट बने या फिर पाँच लोग अगर पहले उसमें से चाह एक चला जाए या एक बाद में ज्वाइन कर ले ऐसा भी हो सकता है तो इसीलिए सबसे पहले जैसे नौ बजे मीटिंग स्टार्ट है इंट्रोडक्शन होगा मीटिंग में कि क्यों बुलाया गया है या फिर क्यों बुलाया गया तो बता देते हैं बट uh, कि चलो लेट्स इंट्रोड्यूस एवरी वन कि आप 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 कौन ऐसा एक, प्रॉपर एक स्टार्ट करेंगे मीटिंग का उसमें कौन कौन रहेगा सबका नाम लिखा हुआ रहेगा कि ये ये लोग उस समय प्रेजेंट रहेंगे जी क्यों बताते हैं अब जैसे क्या है कि अभी जो हमने प्रोडक्शन वाली बात की कि सपोज आई एम इन द प्रोडक्शन टीम एंड डिफेक्ट का मीटिंग है तो आई शुड नो कि कौन कौन प्रेजेंट रहेगा कि ऑफिस के मतलब कंपनी के सारे डायरेक्टर्स प्रेजेंट रहेंगे कंपनी का ओनर प्रेजेंट रहेगा ट्रस्टीज प्रेजेंट रहेंगे शेयर होल्डर्स प्रेजेंट रहेंगे तो ऐसे क्या होता है आई वी प्रिपेयर कि हमको किस लैंग्वेज में बात करना है किस तरीके से बात करना है मुझे आई गेट सीरियस कि मुझे पता है कि अच्छा कौन कौन प्रेजेंट रहेगा मुझे उस हिसाब से अपना प्रोजेक्ट या रिपोर्ट बनाना है अब जैसे अगर मुझे पता है कि खाली मेरे ही फेलोमेट्स प्रेजेंट रहेंगे मेरे सीनियर्स नहीं हैं तो आई कैन बी अप इट मोर कम्फर्टेबल कि चलो ठीक है हम लोग तो आपस में पहले भी बात करते हैं ठीक है बहुत ज्यादा मेरे को डरने की जरूरत नहीं है डरने की जरूरत देखो जब सीनियर्स भी है तो भी नहीं है बट एटलीस्ट यू हैव दैट फीलिंग कि ओके ओके आई नीड टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ सो बिग पीपल ठीक है द द नेम्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स रहेंगे नेम ऑफ द स्पीकर रहेगा कि उस पंद्रह मिनट कौन बोलेगा <coughs> तो पंद्रह मिनट का पहला टॉपिक है तो इसका मतलब नौ पंद्रह से दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा डिस्कसिंग अपकमिंग स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट ये लोग अपना कोई नया प्रोडक्ट का मीटिंग का हिसाब से बनाएँ कौन कौन पार्टिसिपेंट नेम ऑफ द स्पीकर थर्टी मिनट्स नेक्स्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट नेम स्पीकर थर्टी मिनट्स फिर नेक्स्ट थर्टी मिनट्स में टी ब्रेक ऑल मेम्बर्स बीस मिनट का टी ब्रेक लेंगे थर्टी फाइव मार्केट टेन थर्टी फाइव में मार्केट ट्रेंड्स सब कुछ है वैसे ही और लास्ट में ग्यारह पचास में थैंक यू नोट ऑल मेम्बर्स और जो चेयरपर्सन है वो बोलेगा दस मिनट तक ठीक है तो एक चीज देखो यहाँ पर तो खाली रह गया मैम यहाँ क्या था ओपन हाउस क्वेश्चन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स ओपन हाउस का मतलब खुला छूट जो भी है आपस में सब आपस में डिस्कशन करेंगे उस समय जिसको जो क्वेश्चन आंसर्स रहेगा सब आपस में सॉल्व करेंगे तो उसमें कैसे बोल सकते हैं अब तुमको क्वेश्चन पूछना है अब इतने देर के डिस्कशन के बाद किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आपस में पूछ सकते हैं तो उसमें कोई स्पीकर नहीं रहेगा तो अब देख लो कितना बढ़िया एजेंडा तरीके से हमें ये बना के दिया है ठीक है ये तो टाबिलेर तो एजेंडा हो गया आप इसका रिटर्न एजेंडा भी लिख सकते हो जैसे कि टेम्पलेट इन्होंने दिया है सोर्स वर्ड फोर्टी टू डॉट कॉम देखो आई थिंक बहुत क्लियर नहीं है बट ठीक है हम पढ़ पढ़ के इसको समझ लेंगे मीटिंग टाइटल एजेंडा जैसे कि यहाँ पर क्या था यहाँ पर था ना प्रोडक्ट लॉन्च न्यू प्रोडक्ट लॉन्च या प्रोड लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिफेक्ट जो भी हमारा मोटिव है मीटिंग इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव ठीक है टाइम डेट दे, टाइम कब होगा लोकेशन एंटर लोकेशन एंटर लोकेशन एज एजेन इसलिए बोला एंटर क्यों बोला जा रहा है वाई नॉट राइट बिकॉज ऑफिस में कोई भी काम पेन पेपर पे नहीं होता इट्स ऑलवेज ऑन एम एस वर्ड एम एस एक्सएल तो एम एस वर्ड पर यह टाइप होगा एंटर लोकेशन एज एन की बोर्ड रूम वन बोर्ड रूम टू कोई भी जहाँ पर भी हो रहा है या अगर ऑफिस के बाहर भी कहीं हो रहा है तो वहाँ का जगह जाएगा लोकेशन जाएगा एजेंडा आइटम्स यहाँ दिख रहा है एजेंडा आइटम्स और यहाँ है प्रेजेंटर तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन नहीं भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अरे भाई नहीं पता कि उसको कितना देर लगेगा तो ठीक है कॉल टू ऑर्डर प्लेज ऑफ एलिजिन वेलकम इंट्रोडक्शन रोल कॉल ये सब उनका अपना डिसाइड किया हुआ है कि क्या क्या एजेंडा आइटम्स है ओल्ड बिजनेस आइटम वन न्यू बिजनेस आइटम वन आइटम टू एडिशन कैलेंडर एजोनमेंट ठीक है प्रेजेंटर कौन कौन है ये कौन 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 प्रेजेंट करेंगे भाई प्रेजेंटेशन देना है मीटिंग में वही चीज है एक तरीके से ये आपका और ये अदर नोट्स हो गया कि कुछ और भी बताना है कि प्रेजेंट इन प्रॉपर फॉर्मल्स प्रॉपर फॉर्मल्स के आने हैं या फिर कोई ड्रेस कोड है या फिर टी ब्रेक में आपको स्नैक्स दिया जाएगा इस टाइप की कोई भी चीज अगर कुछ भी और अदर नोट्स इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड सबमिट इट बिफोर द बिफोर द मीटिंग स्टार्ट इस टाइप से भी कुछ भी लिखा हुआ अगर कुछ और बोलना है तो वो यहाँ नीचे आ जाएगा एक तरीके से ये आपका एक um, एक जस्ट एक टेम्पलेट हमने बना के दिया है इसके बगल में और बहुत कुछ आ सकता है जैसे कि स्पीकर कितना देर तक बोलेगा और कितने जन अटेंडेंस दे रहे हैं उस मीटिंग में जो हमने वो भी ऊपर देखा ना ये सब ये सब एक्स्ट्रा भी आ सकता है बट दिस इज लाइक अ मीटिंग एजेंडा का एक टेम्पलेट ओके रिकॉर्डेड बाय डेट बस डेट वेट रहेगा बस ठीक है तो ये हो गया हमारा एजेंडा तो आई थिंक एजेंडा बहुत क्लियर है आप लोगों को हमने बताया है कि पूरा डिटेल रिपोर्ट क्या 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 बातें हुई मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिया गया मीटिंग में वो सब ठीक है तो लेट्स जस्ट रीड इट बिट इट्सो नोन एज प्रोटोकॉल्स इनफॉर्मली नोट्स इनफॉर्मल नोट्स होगा ये लोग क्या कर रहे हैं ओके इट्स लाइक और इनफॉर्मली यहां पर कॉमा गलत जगह दिया गया है मिनट्स को या तो प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं या फिर इनफॉर्मली मतलब नॉट फॉर्मली इनफॉर्मली बोलते हैं नोट्स भी ठीक है और हम लोग इसको मिनट्स ही बोलेंगे आपको और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आर द इंस्टेंट रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ अ मीटिंग और हियरिंग दे टिपिकली डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ द मीटिंग क्या क्या हुआ मीटिंग में मे इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ अटेंडीज कौन कौन आया मीटिंग में स्टेटमेंट ऑफ द इशूजर्ड बाई दिन बातों पर हुई uh, एंड रिलेटेड और येजन लिया गया मतलब <दण> शॉर्ट में, में हम पूरा बता देंगे कि क्या क्या हुआ मीटिंग में ठीक है अच्छा यहाँ पर विकीपीडिया क्यों लिखा है कौन बता सकता है मुझे विकीपीडिया तो मिनट्स के बारे में नहीं है बट यहाँ विकीपीडिया क्यों लिखा है और यहाँ पर ये सोर्स वर्टेक्स लिखा है टेल मी दिस एक ऑफ ट्रैक क्वेश्चन है ये but who can tell me this? ये बट हु कैन टेल मी दिस मैं बता देती हूँ विकीपीडिया इसलिए यहाँ लिखा है बिकॉज ये जो भी लिया गया है ना ये विकीपीडिया से लिया गया है और अगर कहीं पर भी कहीं पर भी कोई किसी और का इंफॉर्मेशन यूज करता है ना लिखने में पिक्चर्स में कहीं पर भी तो उसका सोर्स लिख देने से वो गलत नहीं हो जाता ठीक तो है ये शायद हमने कहीं पढ़ा है आई थिंक uh, ये सब हमने बी सी के टर्मनोलॉजी में कहीं डिस्कस किया है कि अगर आप कहीं से भी कुछ उठा रहे हो अगर आप कहीं से भी किसी और का कोई कंटेंट उठा रहे हो जैसे कि विकीपीडिया में जाके आप कुछ देखा और आप उसको लिख के अपने बुक में लिख रहे हो तो आप उसके बगल में अगर विकीपीडिया लिख दो कि आपने ये विकीपीडिया से लिया है तो आप आराम से इसको फिर यूज़ कर सकते हो अदरवाइज कॉपी राइट इश्यूज़ हो जाएंगे कि हाउ कैन यू यूज़ माई कॉन्टेंट ठीक है वैसे ही ये uh, जो इमेज है ये लिया गया है ये वाले वेबसाइट से आई एम नॉट मैं इसको बिल्कुल भी वो नहीं कर रही हूँ uh, पब्लिसाइज नहीं कर रही हूँ मैं जस्ट बता रही हूँ कि ये वाले वेबसाइट से लिया गया तो अगर ये इमेज खाली ऐसे ही ले कर ये सोर्स ना दिया जाए तो फिर ये कॉपीराइट इश्यूज हो सकते हैं कि आपने हमारा इमेज कैसे यूज़ कर लिया सो वी नीड टू टेल कि हमने कहाँ से लिया एक बार हमने बता दिया कहाँ से लिया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है फिर हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है ओके रीजन फॉर राइटिंग मिनट मीटिंग मिनट्स इसका मैंने आपको रीजन एक रीजन बताया था ना कि अगर दो तीन पार्टनर्स हो तो उन को भी पता चल जाएगा वेरियस पार्टिसिपेंट्स मे हैव डिफरेंट ऑफ द मीटिंग बहुत लोगों के लिए मतलब मीटिंग कैसा था नहीं था उन लोग के लिए थॉट अलग हो सकता है तो एक लिखा जाना से ठीक रहेगा कि चलो सबका मिला जुला के यही थॉट है डाइवर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्शन प्लान पॉसिबल हाँ एक्शन प्लान एज इन कि जैसे कि आम, जब हम लोग ने प्रोडक्ट इफेक्ट के बारे में बात की तो उसके बाद बाद में ये आया कि चलो हम लोग ऐसे 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 करने से ये प्रोडक्ट इफेक्ट ठीक हो जाएगा अब क्या है कि प्रोडक्शन में चार डिपार्टमेंट है मैं एक डिपार्टमेंट की हेड हूँ एक और लड़की दूसरे डिपार्टमेंट की हेड है तो हम लोग ने अपना काम अपने अपने तरीके से शुरू कर दिया ठीक है बाद में कोई झमेला हो गया अरे मीटिंग में ऐसा डिसाइड हुआ था नहीं मीटिंग में ऐसा डिसाइड हुआ था तो ये झमेला से बचने के लिए मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ वो ऑलरेडी मिनट्स रिकॉर्डेड है हम लोग ने ऑलरेडी वो मिनट्स हमने ड्राफ्ट करके रखे हैं लिख के रखे हैं रिकॉर्ड करके रखे हैं स्टोर करके रखा है कभी भी झमेला हो चलिए चलो जाके मिनट्स पढ़ लेते हैं समझ में आ जाएगा इंपॉर्टेंट टास्क कैन बी फॉरगॉटन हो सकता है ना मिनट्स में सॉरी uh, मीटिंग्स में जो डिस्कस हुआ मीटिंग में जो भी डिस्कस हुआ वो हम लोग भूल जाए तो क्या करूँगा फिर तो इसलिए बेटर लिख के रखो लिखा हुआ रहेगा कोई भी चीज लिख के रखते दे फिर याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती बस उसको देख देख के काम कर लेंगे रहेगा कि हमें कब कब क्या बोला गया है क्या सबमिट करने बोला गया है क्या एक्शन लेने बोला गया है क्या जो भी टास्क है वो ऐसे ऐसे करके कम्प्लीट करना है तो कहीं भी कुछ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेड है तो हम लोग क्या थोड़ा और सीरियसली उसके बारे में काम करेंगे

तो वो मिनट्स मिल जाए ठीक है ओके okay. चलिए बता दें कि मिनट्स लिखते कैसे हैं मिनट्स में लिखने का क्या सोचना है जो जो हुआ मीटिंग में वैसे वैसे लिखना है थोड़ा बहुत फॉर्मेट अगर हम लोग आ, समझ ले तो अच्छा हो जाएगा हमारे लिए भी आइए पॉइंट्स टू बी कैप्टन माइंड प्री प्लानिंग इट इज असेंशियल इन टेकिंग अप्रोप्रिएट एंड कंप्लीट नोट्स ऑफ द मीटिंग प्री प्लानिंग प्री प्लानिंग भी करनी पड़ती तो है थोड़ा रेडी हो जाओ यूज अ कॉपी ऑफ मीटिंग एजेंडा मिनट जो मीटिंग एजेंडा सबको दिया गया था ना वो एजेंडा मोटिव वो जो हम टेबल देख रहे थे वो जो हम ये देख रहे थे ये 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 इसका कॉपी एक तो रखो तो क्या होगा कि आपको भी इजी रहेगा मिनट्स लिखने में ठीक है यूज़ सिमिलर ऑर्डर एंड नंबरिंग ऑफ द आइटम्स एज ऑन द एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये यहाँ देखिए यहां पर नंबर वन पे है कॉल टू ऑर्डर जो भी डिस्कशन हुआ नंबर टू का प्लेज ऑफ एलिजेंस इसमें क्या है कि um, जो हम मिनट्स लिखेंगे वो भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि नंबर वन में ये ये बातें हुई नंबर टू में ये ये बातें हुई तो कि कोई भी कभी अगर एजेंडा और ये मिलाए तो उनको आराम से हो जाएगी नंबर वन इसमें भी है नंबर वन इसमें भी है तो ईजी रह जाए ठीक है ओके नोट ऑन ऑल द नेम्स ऑफ द पीपल अटेंडिंग द मीटिंग इन एडवांस पहले से लिख के रख लो अब जरूरी थोड़ी है कि वहां पर ही देखोगे कि कौन कौन है फिर ही लिखोगे तो जब तक वो लिखने बैठोगे तब तक उन लोगों ने डिस्कस करके वो लोग उन लोगों का टॉपिक खत्म हो गया तो वो लिखना मिस हो जाएगा पहले से लिख के कि ये, ये लोग प्रेजेंट रहेंगे क्योंकि एजेंडा में लिखा हुआ रहेगा ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड हैंड्स यूज इन द मीटिंग शुड बी फाइल फॉर फ्यूचर रेफरेंस इन टू भी शेयर विथ अदर्स इसका मतलब कि सपोज मीटिंग में हम लोग प्रोडक्ट डिफेक्ट के बारे में जब बात करें तो आ, जो प्रोडक्शन टीम है वो कुछ लेके आए अपने साथ में कि प्रोडक्ट का डिजाइन वगैरह लेके आए कि हमने क्या डिजाइन सोचा था और उसमें कैसे डिफेक्ट आया तो वो पूरा प्रोडक्ट डिजाइन लेके आया तो वो सबको बटेगा ताकि सब देख के अच्छा मीटिंग में हाँ ऐसे से फिर उसके ऊपर बात करें या फिर सपोज बॉस ने जो डिफेक्ट देखा है वो उन्होंने नहीं देखा है तो बॉस जो है वो अपना डिफेक्ट लेके आएगा ठीक है वो मतलब बॉस अपना डिफेक्ट लेके आएगा बॉस अपना जो सो, उसको पता चला है उस डिफेक्ट का एक प्रिंट आउट या अपना एक रिपोर्ट लेके आएगा और वो सबको बांटेगा वहां पर तो उसको बोलते कोई भी चीज़ को हैंड आउट करना उसको बोलते हैंड आउट्स दिया गया सबको तो वो जो हैंड आउट्स है वो मिनट्स में भी होना चाहिए ताकि कभी भी कोई मिनट्स पड़ रहा है तो वो भी वो हैंड आउट को देख सके ठीक है गेट क्लियर इंस्ट्रक्शन एक्सपेक्टेशन ऑफ योर रोल ड्यूरिंग द मीटिंग हाँ क्शन ले लो भाई पहले जो भी मिनट्स बना रहे कि अच्छा तुमको ना ध्यान रखना ऐसे मिनट्स रिकॉर्ड करना है मेन मिस्टर शर्मा क्या बोल रहे हैं वो तो सबसे ज्यादा अच्छे से रिकॉर्ड कर लेना भले किसी और का ज़्यादा एक एक लाइन मत लेना बट मिस्टर शर्मा का एक एक लाइन मुझे चाहिए लिखा हुआ ठीक है तो यू नीड टू टेक द क्लियर इंस्ट्रक्शन कि क्या चाहिए उस मीटिंग में एज वेल एज द टाइप ऑफ डिटेल्स एक्सपेक्टेड कैसा कैसा डिटेल्स चाहिए हो सकता है कि प्रोडक्ट डिफेक्ट वाली मीटिंग में चाहिए कि प्रोडक्ट डिफेक्ट के बारे में ही खाली जो जो बातें हुई वो लिख लेना बाकी कौन क्या बोले इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट तो इट डिपेंड्स ऑन मीटिंग टू मीटिंग कि उस मीटिंग का एजेंडा क्या है ठीक है नेक्स्ट आते हैं रिकॉर्ड टेकिंग एट द मीटिंग

अब uh, हर ऑर्गेनाइजेशन का मिनट्स लिखने का तरीका उनका अपना हो सकता है तो आपको वहीं जाके पता चले कि अच्छा मुझे मिनट्स ऐसे लिखना है बट स्टिल आप अगर आपको सपोज कभी कोई नहीं सिखाए जैसे मैंने ऐसे केसेस सुन रखे कि जैसे एक एक्सपाइज एड एक, एक, एक एक कंपनी में एक, एक मेरी कोई फ्रेंड वर्क करती है ठीक है तो उसने जब ज्वाइन किया उसको ज्वाइन करते ही सेम डे शाम को बोला गया कि प्लीज फाइल द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ठीक है शी नेवर न्यू वट मिनट्स फॉर तो उसको बताया ही नहीं गया कि क्या स्ट्रक्चर है यहाँ पर मिनट्स लिखने का उसको नहीं बताया गया तो वो और उसको कुछ आता भी नहीं था तो क्या लिखेगी बैठ के उसको कुछ नहीं आता है तो इसीलिए इन केस आपको नहीं बताया जाए कि क्या स्ट्रक्चर पे मिनट्स लिखना है तो एटलीस्ट यू नो कि मुझे अपना मन से लिखना है ठीक है तो अपने मन से अगर लिखने बोला जाए तो डेट एंड टाइम ऑफ द मीटिंग वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स ऑफ ऑल अटेंडिंग द मीटिंग्स ऑल्सो ऑफ कौन एबसेंट है वो भी लिखना जरूरी है द करेक्शन

एक मीटिंग में हो जाएगा क्या पूरा न्यू प्रोडक्ट का प्लानिंग नहीं होगा उसके लिए तो सेवरल मीटिंग्स लगेंगे कि चलो पहले मिलके हम लोग ने आइडिया डिस्कस किया ठीक है आप लोग अपना अपना रिपोर्ट बना के लाएंगे फिर सेकेंड डे हम लोग वापस मीट कर रहे हैं फिर हम लोग ने एक एक जन का रिपोर्ट देखा फिर थर्ड डे हम लोग मीट कर रहे हैं हम लोग सब देख रहे हैं कि प्लानिंग क्या है कॉस्ट प्लानिंग कर रहे हैं फिर फोर्थ मीटिंग में हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं तो बहुत सारे मीटिंग्स कंटिन्यूएशन में भी होते हैं ठीक है तो अब सपोज सेकेंड मीटिंग में हमने मिनट्स लिख लिया तो थर्ड मीटिंग में क्या होगा क्या वो याद करते हैं हमने सेकंड मीटिंग में क्या बात किया था अच्छा तुमने कुछ बोला था ना अच्छा तुमने शायद ऐसा बोला था वो सब करने की जरूरत नहीं है मिनट्स आ गया मिनट्स के के कॉपी सबको मिल गई पढ़ लो अच्छा हाँ इसने ही बात किया था तो जो भी स्पीकर है वो बोलेगा एज पर पॉइंट नंबर टू इज दिस एंड नाउ वी वुड कंटिन्यू एज पर और ही कैन से एज पर पॉइंट नंबर टू डिसाइडेड टू डू दिस बट नाउ आफ्टर वो हम लोग ने डिसाइड किया था बट एक महीना काम करने के बाद हमें लग रहा है कि नहीं नहीं इससे बेटर हम लोग ये कर सकते हैं तो ये करेक्ट कर लेते हैं हम लोग तो करेक्ट या अमेंडमेंट अमेंडमेंट का मतलब अमेंडमेंट का मतलब कोई उसी चीज को थोड़ा हल्का चेंज करना करेक्शन मतलब पहले कोई गलती थी उसको ठीक करना और दूसरा अमेंडमेंट मतलब पहले सही लिखा हुआ है बट उसको अभी भी थोड़ा सा चेंज करना अगर पहले का कोई भी प्रीवियस मिनट्स का कोई भी चेंज हो रहा है तो वो रिकॉर्ड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है डिसीजन टेकन अबाउट ईच एजेंडा आइटम क्या क्या डिसीजन लिया गया नेसेसरी स्टेप्स टेकन और विल बी टेकन विथ रेफरेंस टू द इशू राइट प्रोडक्ट इफेक्ट के बारे में क्या क्या डिसीजन लिया गया और आगे क्या क्या करना है सब लिखा जाएगा फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन जैसे कि प्रोडक्ट लॉन्च था तो आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है डेट एंड टाइम ऑफ नेक्स्ट मीटिंग इफ डिसाइडेड अगर पहले से वो कंटिन्यूएशन वाला मीटिंग्स है जैसे कि प्रोडक्ट लॉन्च वाला तो सेकेंड मीटिंग हो गया अब थर्ड मीटिंग के लिए अभी से डिसाइड हो गया कि नेक्स्ट फ्राइडे थ्री पी एम वील मीट तो वो भी लिखा जा सकता है ठीक है तो आप देख रहे हो मतलब बहुत सिंपल था मिनट्स लिखना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट और सुन के भी आपको नहीं लग रहा होगा कि अरे बहुत हाथी घोड़ा वाला काम है वहां बैठ के सुनना है लिखना है और क्या है ओके okay, सजेशंस क्या क्या सजेशंस है इसको आप पढ़ लो इसमें कुछ नहीं है फॉर्मेट या स्ट्रक्चर रेडी कर लो ठीक है पहले से एक बना के टेबल वेबल बना के रेडी रखो कीपर रिकॉर्ड ऑफ द एपसेंटीज अभी भी पढ़ लिया All the at the थोड़ा आग लगाने का भी काम करना um, um, देखो आग लगाना वैसे मैं मजाक में बोल रहा हूँ बट इट लाइकउट टूडे बट आई थिंक एंड वर्मा देव इन्फॉर्म अर्जेंट अदर प्रायर टू अटेंड द मीटिंग सब तुमको बताना पड़ेगा मेक आइटम्स फॉर डिस्कशन ऑन एजेंडा साइड बाई साइड टू इंश्योर एक्यूरेसी आइटम्स जो भी एजेंडा में उसके बगल में नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। आस्क फॉर एनी क्लारिफिकेशन इफ देयर इज अम्बिग्युइटी एट एनी पॉइंट। अम्बिग्युइटी मतलब अगर कंफ्यूजन है कोई भी पॉइंट पे लेके तो पूछ लेना। अपने मन से गलत मिनट्स मत लिखना। ओके? Okay? Do not try to capture it all, as it is impossible to write down the complete proceedings of the meeting। होब्विसली � लोग आप सोचो कितने फास्ट स्पीड में बात करते हैं सर सर आई थिंक ऐसे 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 बोल रहे नहीं SF, SF, तो जो लिख रहे हैं वो तो बेचारे तो ऐसे ऐसे ही लिखता रह जाएगा तब तक दूसरा तीसरा लाइन चौथा लाइन बोल के लोग निकल जाएंगे है ना तो इतना कुछ आप नहीं लिख सकते हो तो मेक श्योर यू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कि अच्छा क्या बोला जा रहा है क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए ठीक है तो दे राइट और टाइप अब देखो अब क्या होने लगे कि मैंने आपको क्या बोला पेन पेपर पे कोई नहीं लिखता है सब टाइप होता है जिस no, कितना, द कितना फायदा क्या होगा उससे टाइप करेंगे संग के संग सबको मेल कर चला जाएगा कि ये से. कितना ईजी हो जाता है डिसीजन लिखना है मुझे खाली असाइनमेंट्स लिखना है क्या क्या ऑप्शन स्टेप्स है वो भी क्लियर एंड नहीं लिखना है बस खत्म मेरा काम इतना ही है Record it. Record it. Record it न ऑलसो रिकॉर्ड द मीटिंग स्मार्टफोन आई पैड रिकॉर्डिंग डिवाइस एक्सेट इट्स वेरी वेरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो ना यार पुराने जमाने में थोड़ी जी रही है कि पेन पेपर भी लिखना है सुनना है मीटिंग को रिकॉर्ड कर लो मीटिंग को अपने फोन पे अपने आई पैड पे um, कहीं भी कोई भी रिकॉर्डिंग साउंड रिकॉर्डर होता है उसमें रिकॉर्ड कर लू ना पूरा उसके बाद आराम से uh, तुम जब मिनट्स लिख रहे हो बाद में कभी क्लरिफिकेशन कुछ भी चाहिए तो मीटिंग दिख लेंगे बट ऑल पार्टिसिपेंट्स मस्ट नो दै द प्रोसीज आर बी रिकॉर्डेड कभी कोई कस्टमर केयर में फ़ोन करते हो ना तो क्या बोला जाता है दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट दिस रिकॉर्ड मे बी रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग परपसेज सो प्लीज़ इंश्योर ऐसे से बोलते हैं ना तो हर चीज उनको बताना चाहिए अगर आप किसी का कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो अगर आप किसी से किसी का पिक्चर क्लिक कर रहे हो किसी का वीडियो बना रहे हो कोई साउंड रिकॉर्ड कर रहे हो तो सामने वाले को पता होना चाहिए कि ही इज गेटिंग कैपचोड ठीक है ठीक है सजेशन तो, तो दे दिया मैंने मिनट्स राइटिंग का प्रोसेस क्या है आफ्टर द मीटिंग इज ओवर यू हैव टू राइट द मिनट्स ठीक है तो एक्यूरेट रिकॉर्डिंग डिपेंड्स ऑन द राइटिंग ऑन डिपेंड्स ऑन राइटिंग द रिपोर्ट यू कैन रिकॉल ऑल दैट हैड अब ऑब्वियसली बैठे बैठे कितना लिखोगे तो बाद में भी थोड़ा आप चेंजेस कर सकते हो मतलब और लिख सकते हो कि याद करके कि अच्छा ऐसा ऐसा बात हुआ था तो ठीक है ऐसा नहीं है कि आपको पूरा डायरेक्ट स्पीच में लिखना है कि कोट करके लिखना है कि मिस्टर शर्मा ने बोला ऐसा सर आई वुड लाइक टू गो अहेड विद द प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ द प्रोडक्शन इतना एक एक लाइन वैसे नहीं लिखना है यू कैन जस्ट ट्राई कि मिस्टर शर्मा टुक द इनिशिएटिव टू लुक टू यू टूवर्ड्स मैटर इस तरह से भी लिख सकते हो गो थ्रू योर वर्क अगैन यू मे डिसाइड टू एड सम डिटेल्स एंड डिलीट सम मैटर तो बोलने की बात नहीं है बार बार चेक कर लो री चेक इन्श्योर दैट ऑल डिसीजन रेजोल्यूशन एंड मोशन आर करेक्टली नोटेड देख लो कि भाई हाँ सबको दिखा लो कि देखो ठीक से नोट हुआ है कि नहीं इन्श्योर दैट ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स आर नोटेड स्पेशली इफ द मीटिंग्स आर लेंदी एंड लॉन्ग डोन डेलीब्रेशन हैव बीन

वो डिसीजन लिख लोगे उसके बाद प्रॉब्लम के बारे में बात करोगे ऐसे नहीं होता फ्लो एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी चाहिए एकदम तो गलत गलत संद इंग्लिश लिखोगे तो अपना ही इंप्रेशन खराब करोगे डू नॉट इंक्लूड एनी कॉन्फ्लिक्ट और पर्सनल कॉमेंट्स पर्सनल कॉमेंट्स के बारे में नहीं लिखना है अभी तुम्हारा कोई नहीं पूछा तुमको खाली मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स लिखना है कॉन्फ्लिक्स के बारे में भी बात नहीं करेंगे उसमें कि ना आफ्टर वी वर डिस्कसिंग दिस आफ्टर सो एंड सो डिस्कशन वॉज मेड मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर वर्मा गेट अकॉर्डन टू अ कॉन्फ्लिक्ट एंड सार्ट डिबेटिंग ऐसा बात नहीं लिखना। खाली क्या क्या डिसाइड हुआ जैसे आप, तो नहीं जानना झगड़ा हुआ पंचायती नहीं लेना का, का पंच, पंचायती नहीं होता ठीक है तो ये मत समझना की कि किस, किसी को मीटिंग का पंचायती देना आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग मतलब खाली मीटिंग्स में क्या क्या फाइनल काम की क्या बात हुई है बस वो लिखना है ठीक है

क्या क्या थॉट रखना है मिनट्स लिखते समय क्या और केयरफुल कैसे रहना सब देख लिया मिनट्स शेयर कैसे होंगे सर्कुलेट कैसे होंगे इफ यू हैव टू सर्कुलेट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग बी श्योर दैट द अप्रोप्रिएट अप्रूव द मिनट्स आपने मिनट्स लिखा है तो आप बस लिख के तुरंत उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो ठीक है आपको जिसने भी अथॉरिटी दी है मिनट्स uh, लिखने के लिए उसके बाद आपका जो सीनियर है या जिसका भी अथॉरिटी है मिनट्स चेक करने का आप उससे पहले मिनट्स चेक कराओगे ठीक है सो अ बेटर अ सीनियर नीड्स टू चेक दैट मिनट्स बिफोर इट कैन बी शेयर यू कैन आई दर सेंड हार्ड कॉपीज और शेयर द मिनट्स इफ द अथॉरिटीज परमिट वाय एन ई मेल और आजकल तो पता है हार्ड कॉपीज में कोई काम नहीं होता मतलब हार्ड कॉपीज रखा जाता है वो फाइल्स में रखने के लिए रखा जाता है बाकी सर्कुलेशन एंड एवरीथिंग पेपर वेस्ट नहीं करना आजकल इट्स ऑल सेफ पेपर सो वी ऑल ईमेल मेल इच आदर आजकल सबके फोन पे ईमेल है सबके आई पैड सबके पास ई है यार सो so, इट्स लाइक आप अपना फोन पे ई खोलिए और देख लीजिए हार्ड कॉपी का क्या करेंगे इतनी हार्ड कॉपी कहाँ रखेंगे हार्ड कॉपी खाली ऑफिस के स्टोर uh, रूम्स में बंद रहती है एंड एवरी थिंगटेड इन टू सॉफ्ट कॉपी नाउ आवर्ड ठीक है फाइलिंग फाइलिंग एंड एंड स्टोरेज स्टोरेज ऑफ मीटिंग मिनट्स, जो अभी मैंने बताया ना कि एक ऑफिस के एक स्टोर uh, रूम में रखी रहती है फाइलिंग इज वेरी वेरी एक हार्ड कॉपी निकाल के उसका फाइलिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द फाइनल अप्रूवल द मिनट्स नीड टू बी स्टोर फॉर फ्यूचर रेफरेंस ऑब्वियसली सबको तो देना ही है ऑफिस ऑफिस जो खुद कंपनी जो खुद है उस कंपनी के पास भी रहना चाहिए वो तो वो प्रॉपर ऐसे मिनट्स का एक फाइल बनेगा मिनट्स ऑफ मीटिंग ये करके फाइल बनेगा उसके अंदर मिनट्स जाएगा या जो पुराना कोई मीटिंग्स का फाइल बना हुआ था उसके अंदर मिनट्स जाएगा तो वो प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता है कोई भी कंपनी में आप वर्क करोगे आपको बोल दिया जाएगा कि वहां पर मिनट्स का फाइल है आपको उसको मिलाना है और फाइलिंग करना है ठीक है द मिनट्स कैन बी स्टोर ऑन ऑनलाइन इन हार्ड ड्राइव्स और प्रिंटेड एंड पुट इन फाइल्स आजकल तो क्या हो गया मैंने आपको बताया ना सब कुछ सॉफ्ट कॉपी होने लग गया है तो आजकल क्या हो गया ना गूगल ड्राइव सुना है आप लोगों ने गूगल ड्राइव ऑनलाइन में ही आजकल स्टोरेज दे देता है गूगल ड्राइव या फिर आई क्लाउड ये सब आजकल ऑनलाइन स्टोरेज जो है तो इसमें क्या होता है कि आप जो भी मेल वगैरह कर रहे हो डायरेक्ट आप उस मेल को आप वो जो मेल है मतलब उसमें जो भी आप अटैचमेंट दे रहे हो वो जो कॉपी दे रहे हो वो कॉपी डायरेक्ट गूगल ड्राइव में या आई क्लाउड ड्राइव में ही स्टोर हो सकती है तो ऐसे भी स्टोर हो सकते हैं हार्ड ड्राइव्स में मतलब हार्ड डिस्क वगैरह स्टोरेज डिवाइस में भी स्टोर हो सकते हैं या फिर प्रिंट करके उसको में लगा के भी स्टोर कर सकते हैं ठीक है इट्स बेटर दोनों में रखो क्या दिक्कत है आइए आगे, आगे चलते हैं अच्छा एग्जाम्पल है, अभी इतना चलिए एग्जाम्पल देखते हैं मीटिंग स्टार्टेड लिखेंगे सबसे पहले क्या हुआ मिस्टर रमेश चेयरपर्सन गिव एन इंट्रोडक्शन अब देखो उनके नाम के आगे उनका डेजिग्नेशन भी लिखना जरूरी है ठीक है उससे एक आ, फील आता है आ, पढ़ने का मिस्टर कमलेश प्रोडक्ट हेड स्पोक अबाउट द न्यू प्रोडक्ट क्या कितना बात क्या उतना नहीं लिखना है बस वो बताया प्रोडक्ट के बारे में मिस शालिनी रीजनल मैनेजर बिजनेस गेव अ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मार्केट सर्विस फ्यूचर एस्पेक्ट्स चैलेंजेस इंक्लूडेड अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसके ऊपर दिया उतना बता सकते तो ब्रैकेट में बता दिया कि मार्केट सर्वे दिया उन्होंने प्रोजेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर फ्यूचर एस्पेक्ट्स के प्रोडक्ट अगर हम लोग मार्केट में देंगे तो क्या फ्यूचर में क्या हम लोग का अर्निंग्स वगैरह है और चैलेंजेस क्या क्या है क्या क्या शॉर्टकमिंग्स या क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं पार्टिसिपेंट्स अप्रूव्ड ऑफ मिस चैलेंज रिपोर्ट अप्रिशिएटेड मेटिकुलस डिटेलिंग हाँ देखो अब हमें obviously कुछ नेगेटिव चीजें नहीं लिखनी है मिनट्स में बट पॉजिटिव तो लिख ही सकते हैं तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स है वो लोग सब हाँ -हां किये कि हाँ किए कि एकदम करेक्ट रिपोर्ट बनाया वेरी गुड वेरी गुड एंड अप्रीसिएशन भी मिला भाई प्रेजेंटेशन के बाद तालियां भी बजाई गई ओके नेक्स्ट मिस्टर रहमान मार्केटिंग हेड डिस्कस द मार्केट सीन ओके तो सबसे पहले प्रोडक्ट हेड ने बात किया उसके बाद मार्केटिंग हेड ने बात किया बिकॉज डिस्कस द मार्केट सीन डिमांड एंड सप्लाई एंड कस्टमर इंटरेस्ट के बारे में बातें हुई फिर मिस्टर सत्यन डायरेक्टर फाइनेंस गिव डिटेल्स ऑफ कॉस्टिंग कॉस्ट के बारे में बातें हुई फाइनेंस टीम लेड बाय मिस्टर मिस्टर एक्स वाई मिस्टर जेड पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन तो मिस्टर सत्यन ने मिस्टर एक्स मिस्टर वाई मिस्टर जेड की हेल्प के साथ प्रेजेंटेशन दिया

प्रपोजल फॉर मोर फंड्स पुट फॉरवर्ड ये देखिए आया ना एक कंक्लूजन कि हमें फंड्स चाहिए हमें ऑब्वियसली यहाँ पर एक प्रोडक्ट का लॉन्च करना थोड़ी है कि एक बॉटल का लॉन्च करना है हमें तो इट्स लाइक like कि um, हमें और हमें और वो चाहिए mm, कि हमें और फंड्स चाहिए हमें टू uh, मिलियन का इन्वेस्टमेंट uh, करना है तो वी डोंट करेंटली द कंपनी डजन है Tenders to be released. Tenders to be released मतलब होता है कि हमें एडवर्टीजमेंट um, या जैसे भी करके tender रिलीज करें कि वी आर एक्सेप्टिंग ऐसा ऐसा किसी को भी अगर करना है हमारे साथ काम तो आके हमारे साथ कोलाबोरेट कर सकता है एटीआर टू थाउजेंड सिक्सटीन वी आर एटीआर टेक इन रिपोर्ट एक्शन टेकन रिपोर्ट मतलब क्या हमने इसके बाद एक्शन लिया

आप लोगों को जो भी मीटिंग में लोग थे वो ट्वेल्थ दिसंबर को एक्शन टेक रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो यहाँ तो हमने मीटिंग के बारे में सारा चीज़ जान लिया मिनट्स ऑफ द मीटिंग के बारे में सारा चीज़ जान लिया एक्शन टेक रिपोर्ट हमने थोड़ा बहुत जान लिया उसकी भी डिटेलिंग कर लो आइए एक्शन टेक रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट कंपाइल्ड फ्यू डेज आफ्टर मीटिंग स्टेटिंग द वेरियस एक्शन टेकन एज पर द डिस्कशन मेड

छोटा सा ही बनेगा ये फिफ्थ दिसंबर नहीं होगा ये क्या बनेगा एक्शन टेबल कैन रिपोर्ट बारह दिसंबर As per the मीटिंग held ऑन फिफ्थ दिसंबर 2016 at सिक्सटीन एट office हेड ऑफिस ऑफ एस वी टेक्नोलॉजीज तो लोके टाइम आई मीन डेट टाइम भी लिख सकते थे अपना एक्शन रिपोर्ट बना के क्या क्या बोला गया था और क्या क्या हमने कर दिया है अंडर साइंड साइन के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ बिजनेस ओके सो वी आर डन विज वेरी गुड तो हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया अच्छी बात है समरी कर लेते हैं समरी so, में क्या बताया गया इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग मीटिंग्स टेकिंग डाउन नोट्स एंड फाइनली रिपोर्टिंग द टेकन ये होगा आपका इन द मीटिंग या फिर आफ्टर आफ्टर सॉरी द मीटिंग इन द मीटिंग वैसे ठीक लग रहा था बट टेकन आफ्टर द मीटिंग द चैप्टर ऑन मीटिंग्स द रीजन फॉर हैविंग मीटिंग्स मीटिंग्स के चैप्टर में क्या क्या सीखा रीजन फॉर हैविंग मीटिंग्स राइटिंग द मिनट्स मीटिंग कम्पाइलिंग एक्शन टेक इन रिपोर्ट ए टी आर एंड डिटेल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड इन दर प्रोसेस एग्जाम्पल्स आर प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन ऑफिस रूम सिट्स अंडरस्टैंड द प्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स ठीक हमने अच्छा काफी अच्छा डिस्कशन किया प्रोडक्टेक्ट प्रोडक्शन डिफेक्ट को लेकर सेल्स टीम को लेकर हमने कितना सारा कॉपरेट डिस्कशन किया ठीक है अब आइए एक्सरसाइजेस में किस तरीके का एक्सरसाइज मिलेगा आपको

ठीक है तो समझ गए हो आप लोग कि मैनेजिंग कमेटी ने ये डिसाइड किया है तो अकाडमिक डीन कौन है यहाँ पर मिस्टर कमल कपूर है ये मीटिंग होल्ड करेंगे कौन कौन आएगा सब्जेक्ट uh, एक्सपर्ट्स आएंगे कॉलेज लेक्चरर्स आएंगे स्टूडेंट आएंगे मेंबर्स ऑफ प्रिंट एंड पब्लिशिंग डिपार्टमेंट आएंगे और क्या क्या काम है एजेंडा क्या है टू डिसाइड द नेसेसरी ऑल्टरेशन इन द सिलेबस आज कमल कपूर नाउ यू हैव टू एक्ट एज कमल कपूर ठीक है आपको कमल कपूर सपोज आप हो आपको क्या करना है सेट एन एजेंडा ऑफ द मीटिंग तो सबसे पहले एक एजेंडा का वाला वाला बनाना है सजेशन फॉर द डिस्कशन रिव्यू प्रीवियस सिलेबस आइडेंटिफाई आइडेंटिफाइड टॉपिक्स अच्छा ये आपको क्या दिया गया है कि एजेंडा जो बनाते तो उसमें तो लिखना पड़ता है ना कि सबसे पहले क्या डिस्कस होगा सेकंड क्या डिस्कस होगा थर्ड क्या डिस्कस होगा वो ही चीज आपको इसमें हिंट दे दिया गया है बट ऐसे तो आप खुद भी कर सकते हो तो ऑब्वियसली आपका अगर आपको ये नहीं भी दिया रहे तो आप अपने मन से भी आज कमल कपूर आपको क्या लगता है कि सिलेबस चेंजेस में क्या क्या आने चाहिए तो आप वैसे भी बना सकते हो इट्स ओके सजेस्ट इंक्लूजन ऑफ लेटेस्ट रिलेवेंट कॉन्टेंट इंक्लूड कंस्ट्रक्टिव एंड यूजफुल कॉन्टेंट फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस टाइम फ्रेम फॉर कंप्लीटिंग और कंप्लीशन ऑफ री वैम्पिंग मतलब इसको पूरा नया बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इन्फॉर्म योर सेक्रेटरी मिस स्वाति सिंह टू राइट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग तो आपको अपनी आ, सेक्रेटरी को इन, आ, एक इंफॉर्मेशन देना है कि वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखे दूसरा सबमिट एन एक्शन टेकन रिपोर्ट टू द मैनेजिंग कमिटी सबसे पहले आप एक बार एजेंडा बना लीजिए एजेंडा बना के के बाद आप मिनट्स अपनी स्वाति सिंह जो आपकी सेक्रेटरी है उनको बोलिए तो उसके बाद मतलब उनको आपने बोला है इसका मतलब वो ही लिख के आपको देंगी और आप आ, इनको दोगे मतलब एक्सरसाइज में यही लिखा है कि आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखना है और आपको उसके बाद एक ए भी लिखना है, है? Section should be written in about 200 words. तो है, ठीक ठीक तो से लिख लोगे। आइए आते हैं। मार्केटिंग अ कंज्यूमर गुड्स कंपनी प्लान्स टू कंडक्ट अ मीटिंग टू रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग पॉलिसीज ओके मार्केटिंग हेड ही करना चाह रहा है एक मीटिंग uh, मार्केटिंग पॉलिसीज जो उनकी है लास्ट ईयर की ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड प्लान स्ट्रेटेजीज फॉर द नेक्स्ट ईयर टू इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी अच्छा मार्केटिंग हेड जो है कंपनी का वो चाहता है कि वो देखे कि पिछले साल उन्होंने जो मार्केटिंग की पॉलिसीज लगाई थी पॉलिसीज एज कि कुछ फ्री uh, सैंपल्स बेचे थे उन्होंने फ्री सैंपल्स उन्होंने कुछ प्रोडक्ट के साथ इंक्लूड करके बेचे थे या फिर उन्होंने एक छोटा प्रोडक्ट के साथ बड़ा प्रोडक्ट के साथ एक छोटा प्रोडक्ट फ्री दिया था कुछ भी इस तरीके का को, कोई भी अगर उन्होंने पॉलिसीज लगाया है तो वो उसको पहले इफेक्टिवनेस देखे कि उसकी वजह से सेल्स कितना बड़ा है और नेक्स्ट ईयर के लिए उनको स्ट्रैटेजीज प्लान करनी है कि प्रॉफिट बढ़े कंपनी का ठीक है अटेंडी शुड बी इन फ्रॉम मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑब्वियसली प्रोडक्शन टीम को बुला के इसमें क्या करेंगे हमें तो मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग के टीम के लोग होने चाहिए एडवर्टाइजिंग के टीम के लोग होने चाहिए ऑब्वियसली मार्केटिंग में तो एडवर्टाइजिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये तो आपने सीखा है मीडिया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के भी लोग चाहिए मीडिया एज एंड वो वो वाला मीडिया नहीं एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया वाला बात हो रहा है ठीक है तो सबसे पहले यू नीड टू सेट एन एजेंडा फॉर द मीटिंग क्या क्या एजेंडा में देखिए इन्होंने हिंट दिया है प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स आर अर्न गड हाई सेल्स एंड दोज आर फेल्ड टू मेक द मार्क ऑब्वियसली उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात होगी जो उतना अच्छा नहीं कर पाए और जो जो अच्छा कर पाए रीजन फॉर पुअर सेल्स पुराना उनको इफेक्टिव अपना वो देखना ना कितना उनका मार्केटिंग मार्केटिंग पॉलिसी अच्छा चला तो पिछला बार पुअर सेल्स का रीजन क्या था या अच्छा सेल्स का रीजन क्या था न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनपुट क्या किया गया इस साल उन्होंने एक्स्ट्रा क्या काम करवाया है नॉवेल एडवर्टाइजिंग मीनस क्या और एडवर्टाइजिंग मीन्स वो यूज कर सकते हैं इस बार डेजिग्नेट योर सेक्रेटरी टू राइट मिनट्स ऑफ द मीटिंग ठीक है अपनी सेक्रेटरी को बताओ कि वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखे आज द जूनियर मार्केटिंग एनालिस्ट मिस्टर मिस्टर सुदीप सुदीप रॉय रॉय टू टू सबमिट एन एक्शन रिपोर्ट हिम विद इन डेज तो आपको को जो आपका जूनियर मार्केटिंग एनालिस्ट है उनको सबमिट करना है एक एक्शन टेकन रिपोर्ट तो आपको एक्शन टेकन रिपोर्ट इसमें नहीं बनाना है यहाँ पर जो आज तक जूनियर मार्केटिंग एनालिस्ट और और सेक्रेटरी है ना इसमें जो आपने इसके पहले फॉर्मल मेल्स वगैरह किए हैं तो आपको उनको बताना है एक मेल करके कि यह काम आपको करना है ठीक है तो जिन्होंने अभी तक वो चैप्टर नहीं किया है तो डोंट वरी ये सब हम लोग उस चैप्टर में करेंगे जब हम फॉर्मल मेल्स करेंगे और जिन्होंने वो चैप्टर अभी तक कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब ये समझ ही रहेगा कि आपको अपनी सेक्रेटरी को एक मेल लिखना है जिन्होंने नहीं किया है डो नॉट वरी इस चैप्टर में वी हैव जस्ट डिस्कस अबाउट मिनट्स राइटिंग एंड एक्शन टेक एन रिपोर्ट एंड वाई मीटिंग्स हैव बीन डन डेसिग्नेट कैसे करते हैं कैसे मेल लिखते हैं वो हम राइटिंग फॉर्मल मेल्स में करेंगे ठीक है एजेंडा वगैरह आप लोग सीख गए हो इसमें बनाना आंसर क्लूज देखो इसमें लिखा है आई थिंक मैंने आपको अच्छा एक क्लूज दिया है कि एजेंडा लिख लेना टेम्पलेट के हिसाब से मिनट्स ऑफ द मीटिंग सबसे पहले लिख लेना मच वर्क कम्प्लीटेड बाई द वेरियस मेबर्स राइट तो इसमें आप खुद भी एक एक्शन टेक इन रिपोर्ट लिख सकते हैं तो आप लोग अब एक काम करोगे सबसे पहले आज स्वाति सिंह आप मिनट्स लिखोगे और आप एक एक्शन रिपोर्ट टेकन रिपोर्ट भी खुद फाइल करके रखोगे और सेकेंड वाले में आप एक एजेंडा बनाओगे मिनट्स um, लिखोगे इसमें भी एटीआर लिखना और है ही क्या एटीआर so uh, uh, काफी अच्छा डिस्कशन किया हमने इतना सारा कॉपरेट बात किया हमने तो एक देखते क्या हमने गोल्स फुलफिल किया इस चैप्टर पढ़ने का गोल्स क्या क्या था कि सबसे पहले वी शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मीटिंग डन गेन नॉलेज अबाउट द कॉम्पोनेट ऑफ मीटिंग्स डन learn to prepare agendas perfectly done take down notes and meetings and write minutes of meeting learned gain competency in compiling an action taken report so i think we have uh, completed the goals of uh, this chapter and so um, aap log jo ye bhi exercise hai wo aap karoge and uh, iske baad we'll start something new और जो भी आप इसके बाद अगर last चैप्टर कर रहे हो तो इसके बाद हम लोग और एक्सरसाइजेस करेंगे mm <laughs>